शमशाबाद में सागर संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का नगर के आजाद चौक स्थित भवन में शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ अन्याय कर छलावा किया, जो विधानसभा चुनाव में किसानों के अनाज का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार बनने के बाद वह घोषणा पर अमल नहीं कर रहे। साथ ही बढ़ती महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सिंधु विक्रम सिंह ने बीजेपी की घोषणाओं को लेकर निशाना साधते हुए कहा, चुनावी मैदान में जाकर जनता से बीजेपी की करनी और करने की बात कहेंगे। पार्टी के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी मोदी जी है, तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी क्या है? कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत, वही हमारी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन का आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, उनका मजबूत संगठन होता तो एक कांग्रेस को तोड़फोड़ नहीं करते, दूसरे नेताओं को जोड़ने की कोशिश नहीं करते। उनका संगठन कमजोर हो चुका है, वो सब अहंकार में डूबे हैं, घमंडी हो चुके हैं। हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, बूथ तक मजबूत है, हम लोग बूथ से बहुत मजबूत है। जनता के बीच हमारे लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने वादे किए थे हम लोगों के सामने, आप लोगों ने भी देखा था कि यहाँ वादा किया गया था कि 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदी होगी। मेरा भी आप लोग आते हो वहराउ से, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है कि 2700 रुपये क्विंटल किसान को दिए जा रहे हों। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, रसोई गैस की जो ठीक है, हम लोग कम करेंगे, रेट हम करेंगे, गेहूँ का बढ़ाएंगे, सरसों का दाम बढ़ाएंगे। मुझे तो ये फील्ड पे कहीं दिख नहीं रहा है कि इन चीज़ों में कहीं से भी कोई भी रेट में रेट बढ़ाए गए हों या गैस और अन्य चीज़ों पे दाम कम किए गए हों। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।